हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसे हो भाई आप सब लोग? भाई वापस स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जो लोग नए आए हैं अपने चैनल पे, तो भाई हम व्लॉग्स डालते हैं अपने चैनल पे, अपनी फैमिली व्लॉग्स हो गए। मैं अब यूके रहता हूँ तो यूके के व्लॉग्स आ रहे हैं, और भाई बहुत जल्दी ना ट्रैवल व्लॉग्स भी आने वाले हैं यूके के अराउंड के। और आज के व्लॉग में मैं अपने जो जूनियर थोर है उसको मैं ना मॉर्निंग वॉक पे लेके गया था, और पहली बार मॉर्निंग वॉक पे लेके गया हूँ भाई अपने जूनियर थोर को। तो उसका रिएक्शन दिखाऊंगा, क्या क्या करता है वो, उसमें क्या क्या शरारते हैं, सारी चीजें। इन सबसे पहले भाई अपने सारे जो गोल्डन रिट्रीवर्स के पपीज थे वो सारे नए घरों में चले गए हैं, बस एक पपी रहा हुआ है। तो किसी को लेना है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। तो दोस्तों वापस वीडियो शूट करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी पापा का फोन आया था कि कन्नू बेटा सारे बच्चे अपने नए घरों में चले गए हैं, तो अब पपीज और नहीं है फॉर द टाइम बींग। अब जो नेक्स्ट पपीज होंगे तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इतना सपोर्ट करा, सारे पपीज टाइम से अच्छे घरों पे चले गए हैं। लो जी, ये बच्ची जा रही है मैम के पास, और एक बहुत अच्छे घर में जा रही है, ये अच्छे परिवार में। नवीन जी आए हैं, नवीन जी के घर पे जा रही है, ये बहन जी आई है। तो मैम आपको कैसा लग रहा है इसको लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसी है बच्ची आपने देखा? बच्ची बड़ी प्यारी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है ना। चलो सही है, अब हमारे सारे बच्चे जा चुके हैं, और उम्मीद यही है कि भाई सारे बच्चे अच्छे घरों में गए हैं, तो इनको भी बढ़िया जीवन मिलेगा। तो धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। और अब हिसार और जींद में हमने डॉग ट्रेनिंग और डॉग हॉस्टल फैसिलिटी शुरू कर दी है, और साथ के साथ ग्रूमिंग फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। तो भाई आसपास के सारे इलाके वाले भाई इस नंबर पे कॉल करके अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। बाकी भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत मस्त वीडियो है भाई। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ कि भाई मेरी शक्ल को थोड़ा बेयर करना, हमारा थोरू इतना खतरनाक है कि ये देखो हमने डंडा खुद ले गया। अरे ये देखो भाई खुद अपना डंडा लेके जा रहे हैं आदमी। इसका रीजन है ये किसी डॉग की तरफ ध्यान ही नहीं देता, ये अपने डंडे में मस्त होता है, और इससे इसका अग्रेशन भी नहीं होता। मानो को ब्रीड वाला डॉग मिलता है तो ये उसकी तरफ करता था, तो ये पापा ने इसको ट्रेनिंग दे दी। और इसका ये है कि ये किसी की तरफ नहीं, इसको भौंकेंगे और ये मस्ती में हाथी की तरह झूमता हुआ चलेगा, आप देख लेना। और थोड़ा डिसबैलेंस हो गया डंडा, दोबारा ले बैलेंस बना के चलेगा। अब इसको ये बहरा है कि कहीं मेरा ना छीन ले, इसलिए अपना अपना डंडा ने सेव करके रखता है। थोड़ी पापा ने भागने के लिए सुनने बोला था, है ना, कैसे मटक मटक के चल रहा है। वेरी गुड यार, क्यों बार बार इसके वो करना रहा इसमें, पढ़ ले आराम से। नहीं थोड़ा सा ओवर है ना, कि भाई कदे तेरा छीन ना ले। कल कन्नू ने इसको दिया नहीं ना, मैंने इसको कल दी ही नहीं भाई, इसलिए ये कन्नू की तरफ देखन वो कहते ये दोबारा ना ले ले तेरा। वेरी गुड लेके गायब हो जाती। देखिए इधर धूप में देख, इस साइड मुंह कर, इस साइड ये देख इधर कराइए पापा एक बार। थोरू थोरू इधर आजा मैं बैठ, वो इधर मुंह पे नहीं, मुंह पे नहीं चल बात। ये देख प्यारी बच्ची ये भी बैठी है, बिल्कुल ये सारे दोस्त हैं, ये बच्चे आज अंडे देने।
चल आजा तू भी आजा खाना खा ले, तू भी आजा। नहीं ये न्यू वन है, आजा आजा। ये बुआ जी ने इसका इलाज कराया था। कम बॉल दे, टेस्ट बॉल। नहीं 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 ना यो, इसे तो खेल ले यार, इसे तो खेल ले, आजा चलो भागो। ये भी लो खेल लगा दे, खुद खेल लगा। पूरा मच रहे थोड़ी। अब मेरे बच्चे, अब हम ना टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में बैठ के। देखो हम ना एक इस पे बैठे हुए हैं चेयर पे, और तो ये देखो भाई, ये वो एरिया है, यहाँ पे पापा और हम पुराने थोर को भी घुमाने लेके आते थे, और अब हमारा छोटू थोर है जो, इसको भी यहीं घुमाने लेके आते हैं। हम दोनों इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। थोरू स्टे 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 स्टे, कुछ नहीं करना तेरे को, स्टे। मैं व्लॉग बना के दिखा देता हूँ भाई। मेरी शक्ल थोड़ी सी अजीब आ रही होगी क्योंकि मैं ना के नहीं आया, सुबह सुबह का टाइम है। ओए थोरू, ये मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चू, ये मेरे बच्चू। तो हम दोनों यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक सी बात है, जब तक आपका और थोर का मतलब अपने जो पेट है उसका बॉन्ड नहीं बनेगा ना, तब तक ये हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना मेरे बच्चू। है नो तो ये मेरी अब बातें सुनने लग गए, क्योंकि मैंने इसके साथ अपना बॉन्ड बनाया, ये मेरे से पहली बार मिला। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को पता क्या कह रहे हैं, कैसे से करो ऐसे, पर मैं अब नहीं करूँगा, तो इसको पता होना चाहिए। नो ये देखो नहीं कर रहा ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे ही आप अपने डॉग के आगे अल्फा बन सकते हो। अगर ये अल्फा बन गया ना, ये ब्रीड अल्फा बन गई, तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और बस हमें यही नहीं होने देना। हम अल्फा है, हम इनके पैक में ऊपर है, तो हमें इनको बताना है कि हम ऊपर है, तो बस ये समझाना है, सब चीज़ सही हो जाती है। तो थोड़ा सा देख लो अब इसके, ये किस किस को देखता है। थोड़ी ये देखो, मैं इसके नज़रिए से दिखाता हूँ आपको, यहाँ लगा लेता है कैमरा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉग देखना चाहते हो? एक एक मिनट के मैं शॉर्ट ब्लॉग्स बना दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो हम बना देंगे, वो बड़ी बात नहीं, बल्कि वो इजी है मेरे लिए, वो मैं जल्दी आपको ना डेली लाइफ की अपडेट्स दे सकता हूँ उस पर। ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर आप मेरे को कहोगे आपको डेली लाइफ की मेरी अपडेट्स चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना है, अगर कंटेंट चाहिए तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, यूज़र नेम CH_Rachit_Panghal के नाम से है, तो आप फॉलो कर सकते हो। ओए थोरू किसको देख रहे हो तू? ए मैं बिट्टू है प्यार बच्चा, स्टे। देखो मैं इसको बिठाए हुए, स्टे 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 थोरू, स्टे स्टे स्टे। खुश है, अपनी स्टिक खुद लेके जा रहा है, और इतने स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पे, भौंक रहे हैं इजीली। एक जर्मन शेफर्ड है, थोरू थोरी थोरी। ओए थोरू देख, तेरे पीछे दोस्त आ रहे तेरे, रुकियो रुकियो थोरू, ये देख थोरू, चले चल। दोस्तों थोरू को मैंने यहाँ बिठाया है, और इजी करने का तरीका ये देखो, डॉग्स उधर भी हैं इधर भी भौंक रहे हैं, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बेस्ट चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉग, अपने डॉग को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थोरू सिट सिट, वेरी गुड। अरे पूरा नहीं बैठना था बंदर। अरे देखो ये कोई फर्क नहीं है। थोरू तो दोस्तों कैसा लगा व्लॉग? और ये मेरी फिशेज है जो मैं यार यूके में है, मेरे पास है ये सारी,
अबलू बबलू डब्लू, और इसका नाम क्या रखे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इसका नाम नहीं रखा हुआ मैंने अभी तक, पर इन तीनों का तो नाम रखा हुआ है अबलू बबलू डब्लू। और इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी है, और जो ये वाले प्लांट्स है ना ये लाइव प्लांट्स है, और ये कोल्ड वाटर फिश है, बहुत सुंदर है। बाकी भाई इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। हर वीक एक व्लॉग आएगा और वो कंसिस्टेंसी में आएगा ही आएगा, जैसे कि ये आ रहा है आपने ये देख लिया। ठीक है, व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट में लिखना कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। और आपने अपने पेडोवर्सिटी वाला पेज फॉलो नहीं करा है तो उसे कर लो, और मम्मी ने भी अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, उसे भी फॉलो कर सकते हो थोर की शॉर्ट्स देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।